जी हाँ, इंडिया का पहला ऑफ रोड लग्जरियस मर्सकल कार इवेंट हो रहा है। सीज़न वन हो चुका है, हम सीज़न टू कर रहे हैं। ये सक्सेस पार्टी रखी गई है, जो टीम इसमें इन्वॉल्व हैं ऑफ कोर्स सुनील शेट्टी, अन्ना द ब्रांड एम्बेसडर, सैम खान, प्रमोद, आशीष, वी ऑल हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस प्रॉपर्टी। और हम लोग सरप्राइज हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग ऑफ रोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। फर्स्ट फेस्ट में आप थे वहाँ पर, इतना कुछ मज़ा किया आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरे ख्याल से बहुत मेरी पहली बार था कि मैं ऑफ रोडिंग में इतने सारे लोगों को मैंने देखा और इतनी सारी गाड़ियों को ऑफ रोडिंग, इतनी प्लस बारिश भी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। आई थिंक आई होप आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीज़न टू। नाउ सीज़न टू की बात की जाए, क्या कुछ नया दिखने वाला है? सीज़न टू बहुत नया दिखेंगे, आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत सारे और राइडर्स जुड़े हैं, बहुत सारी और नई गाड़ियाँ जुड़ी हैं, सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर सीज़न टू। फैंस को कहना चाहूँगा कि मर्सकल एडवेंचर के लिए कि थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, जितने लोग भी हमें सोशल नेटवर्क पे सपोर्ट करते हैं, यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पे, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। साहिल, इसके अलावा बिग बॉस में आपको पर्सनली सलमान का कॉल मिले तो जाना चाहेंगे? बिग बॉस से मना किया है काफ़ी बार। बिग बॉस से मना किया है आपको कैसे पता? जी नहीं, आई मीन नथिंग अगेंस्ट बिग बॉस, इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ बिग बॉस के। सो सलमान कॉल करे तो आई डोंट थिंक वो ऐसा होगा, मगर मैं किसी भी कीमत में किसी चीज़ को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ। आई वोंट बी एबल टू डू बिग बॉस बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड आई हैव अ डिजीज़ कॉल क्लॉस्ट्रोफोबिया, सो मुझे बंद चीज़ों से बीमार हो जाता हूँ जल्दी, मुझे खुली खुली चीज़ें पसंद हैं। जी सॉरी, नहीं काफ़ी साल हो गए मैंने बिग बॉस नहीं देखा है, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। थैंक यू कुछ तो इसको मसाला। और हम लोग कुछ भी ऐसे ही किया तो अन्ना ने ये किया, ले भाई ले 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 भाई, थोड़ा पीछे से क्लियर। अब और साहिल से आइए, साहिल सर, साहिल भाई अंदर अंदर थोड़ा। अन्ना इधर देखो, साहिल 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 किचन जोर से अन्ना।2.0 प्रमोट कर रहे हो? अरे दादा सेंटर 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 अन्ना अन्ना सेंटर अभी सोलो उधर उधर। अरे लोना वाला में तो बहुत सर, आप राइट एक नंबर नाइस। हमें सेंटर सेंटर ऊपर अन्ना ऊपर अन्ना खड़े हो गया उसके ऊपर। अन्ना, व्हाट आई वुड से अबाउट मर्सकल एडवेंचर, लाइक वी हैड सीन यू डूइंग स्टंट्स फॉर द लास्ट टाइम। आई थिंक नॉट डूइंग स्टंट्स बट एंजॉयिंग माय सेल्फ, बट इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक यू नो it's so connected to the earth and it's such a high that I'm looking forward to mudskull too. Off-roading, which is a fantastic sport, also a very safe sport because it's about skill driving and not about rash driving, and looking forward to it. Is baar kya hone wala hai? I think track bada hai, a lot many more people,
ATVs के साथ, जीप्स, SUVs, सारे गाड़ियाँ होंगी. एक अलग एक्सपीरियंस होगा. पहाड़ों पे इट्स इन पावना, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी डिफरेंट लुक एंड फील. आर यू डूइंग प्रैक्टिस आल्सो मे बी लाइक आई थिंक बचपन से यही करते आ रहे हैं यार. फिल्मों में भी यही करते आ रहे हैं. गाड़ी चलाना हो, एक्शन करना हो, खुद करना है. लेकिन ऑफकोर्स इसमें स्किल है, तो कभी कभार ट्रैक पे जाके, ऑफकोर्स एक दिन पहले जाके ट्रैक को चेक करेंगे और देखेंगे कि व्हाट वर्क्स बेस्ट एंड हाउ इट वर्क्स बेस्ट. आपका एक्सपीरियंस क्या था फर्स्ट टाइम से, क्योंकि काफ़ी गाड़ियों को इजाते हुए देखा, डर्टी हो गए थे आप? नहीं, मटस्कल डर्टी नहीं हुआ तो कीचड़ में उतर के अगर कीचड़ नहीं लगे तो कैसे चलेगा. लेकिन मज़ा आता है, बचपना याद आ जाता है. ऐसे लगता है कि यू नो योर बैक विद नेचर, क्योंकि स्किल ड्राइविंग है. और जैसे मैंने कहा, और पिछली बार बारिश थी, पानी काफ़ी था, माहौल एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, तो इट वॉज़ अ गुड है. नहीं, डिपेंड्स, बट दिस इज़ वन ऑफ द कार्स. लेकिन देखिए, ATV चलाऊँ, जीप चलाऊँ, SUV चलाऊँ, कौन सा चलाता हूँ. लेकिन जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे राइडर्स होंगे इस बार, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पॉट. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी पॉपुलर हो जाएगी. और लास्ट टाइम के जो वीडियोज़ वायरल हुए, उसके वजह से आई थिंक दिस टाइम बहुत सारे एंट्रीज है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आके हिस्सा लें. Been in the front to promote sports. Absolutely. Actually, अभी ये जैसे you enjoying actually, हमारे आपके friend circle में actually, you know जैसे हमारे co-stars में actually. Are you going to, you know, like bring them to also on board? I think a lot of, I heard that a lot of the young actors want to be, come, enjoy the rides. You know, it's not about being a part of it. It's coming, enjoying yourself, using those tracks and understanding it. Because everybody has the big cars. Everybody loves riding the big cars. Or everybody drives an SUV. Off-roading is something that is a different skill altogether. So I'm sure a lot of them this time, according to Sam and everybody, a lot of them this time are saying they want to be a part of it. I'm urging the general public and boys who like off-roading to come and come in. When it comes to celebrities, I shy away a little bit, because you know everybody looks at it differently. So invitation is open, but no special invitation to anybody as such. Talking about freak out and Subodh specially, he's also working quite hard with you. In fact, something about him, like, I think Subodh has been associated with me for a long, long time, and you know I've seen the boy work hard right from he was one among you all, and then he's moved out, started his own ventures. And when you see kids from your industry whom you've seen grow in front of you, it's always a good feeling, and it's always good to support them. So that's how I actually got into Mudskull, and I'm glad that I'm a part of it today, because I'm enjoying it as much as probably the rest of them are. Talking about the safety wise, in fact, like, you know, last time we had seen, it's a little dangerous also. I don't think it's dangerous. I think it's a, like I said, it's a skill sport. But you have your safety gears, you have the cars that are safe. It's not about speed. It's about getting stuck somewhere. It's about getting stuck in the mud. Then you can get out of it. It's not about speed racing. You know, it's about completing the track. The momentum has to be right, seeing the situation, whether there's oil, whether there's mud, whether it's excessive water. So it's the speed that you have to vary every time to get out of it, you know. So the skidding of the car, the eyes on the road. So I think it's very safe. Last question from us. Sahil has also been a very smart person actually, and he's always been, you know, together. What have you to say about him also? I mean, anybody who's conscious about his health is someone I respect a hell of a lot. Because I believe, you know, everybody believes, अरे यार body shoddy है तो लगता. Body बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और body को maintain करना उससे भी बड़ी बात है. आदमी discipline क्या है, patience क्या है, commitment क्या है, I think जो अपने आप को healthy रखते हैं उससे पूछे तो आप जानोगे. So I'm so happy that Sahil is doing so much with sport. He's doing so much with fitness. Bless them. Zero ka trailer aapne dekha hoga, kya? I love the trailer of Zero, and I think this is going to be one of Shah Rukh's biggest. I'm not saying it because the camera is in front of me, but I genuinely feel he's performed brilliantly. Jo attitude uska hai, you know, even because of his size, wo complex ke saath jab kisi ko ek attitude aati hai, wo
वो न्यूएंसेस वो कैरेक्टर के कैप्चर किए. आई थिंक दिस इज एसआरके'स बिगेस्ट एंड आई प्रे टू गॉड दैट इट इज हिज बिगेस्ट बिकॉज यू नो इट्स ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट लाइक आई हैव अ होल लॉट ऑफ फ्रेंड्स हू गॉन एंड सीन द थग्स एंड दे लव द फिल्म. यार पैसा वसूल है, जो साइज है, जो कैनवस है, एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत सारे बहुत ज़्यादा ही हो गए. हम सब अपने आप को क्रिटिक समझते हैं, सब समझते हैं कि हमको सब मालूम है एंटरटेनमेंट के बारे में. आई थिंक एक मौका देना चाहिए हमेशा हर फिल्म को कि वो रिलीज़ हो, ऑडियंस का रिएक्शन आवे, ना कि हम झपट के किसी को गिराने की कोशिश करें. तो whoever seen even Thugs has loved the film. So I don't understand why there's such a hua cry of everything. But as far as Zero is concerned, I have a very strong feeling it's going to work magic. What's your next project? What's happening with you? There's a lot happening with me. I think the announcements will come, time will tell. I took a break for 4 years. But I think for the next 40, I'm not going to keep quiet now. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.